Hello class, welcome back to your math class. Class, today we have to start exercise 10.1. आज की क्लास में शुरू करेंगे हम 10.1 चैप्टर 10. कल हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का. ये जो दो टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस, इनका प्लस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इन चीज़ों का हमने क्या देखा था कल की क्लास में हमने इनका इंट्रोडक्शन किया था और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. तो आज हमें क्या करना है, टुडे वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.1. आज की क्लास में हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 10.1. तो ये वीडियो आप देख पाओगे 9, 10, 21 को. क्लास 5 मैथ्स, ओके, एंड द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1, ओके गाइस. नाउ एक्सरसाइज 10.1, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन, ठीक है. तो पहला जो क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन एज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन. सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एस पी इक्वल्स टू 765 रुपीज, रुपीज 765, ठीक है. एम सी पी इक्वल्स टू 665 रुपीज. SP equals to 765 rupees, CP equals to 665 rupees. Okay. 765 and 665. ठीक है. Now class, यहाँ पे देखो SP दिया है और हमारा CP दिया है, ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी हमें बताना है कि whether it is profit और लॉस, प्रॉफिट है या लॉस है. तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, मतलब कोई सामान उसने 665 में खरीदा और बेचा कितने पे, 765 पे. तो 665 पे खरीद के 765 पे बेचा, तो दैट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट. तो व्हाट वी विल राइट, हैंस अ प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कितने का है वो कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट कितने का है वो हमें पता चलेगा सब्ट्रैक्ट करके. सो प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी. सो 765 माइनस 765 माइनस 665, ओके. अब यहां पे सबट्रैक्ट करो, व्हाट यू विल गेट, 5 माइनस 5 इज 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1. आंसर इज वॉट, 100. 100 रुपीज का इनको क्या हुआ, 100 रुपीज का इनको क्या हुआ, फायदा हुआ. ओके, तो यहां पे हमने ए पार्ट किया. नाउ लेट अस डू द बी पार्ट. चलो अभी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू द बी पार्ट, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम बी पार्ट करेंगे. बी पार्ट क्या है, 28,930,000, ठीक है. चलो चलो, सो मैम इज गोइंग टू इरेज, आई होप दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड नाउ. नाउ बी इज एस पी इक्वल्स टू
इक्वल्स टू 28,900 एंड CP इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 30,000 28,900 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 30,000 ओके नाउ यहां पे आप देखो क्या हो रहा है सीपी जो है वो एसपी से क्या है बड़ा है मतलब खरीदा ज़्यादा अमाउंट में और बेचा कितने में कम में तो जब सपोज करो ये मार्कर ये मैंने 10 रुपीज़ में खरीदा और मैंने इसे 8 रुपये में ही बेच दिया खरीदा कितने रुपीज़ में 10 रुपीज़ में बेचा कितने रुपीज़ में 8 रुपीज़ में तो मेरा क्या हुआ 2 रुपये का नुकसान हुआ मेरा यहाँ पे भी वही चीज़ है सीपी जो है वो एसपी से ज़्यादा है मतलब क्या इट्स अ कंप्लीट नो कंप्लीट लॉस सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे CP is greater than SP, hence loss. Now loss equals to CP minus SP. चलो सब्ट्रैक्ट करके आंसर पता करो कितने का लॉस हुआ 30,000 और कितना 28,900 कितने का क्या हुआ नुकसान हुआ बताओ भाई यस तो द लॉस इज ऑफ 1100 का क्या हुआ 1100 का कंप्लीट लॉस हुआ ठीक है अभी देखो क्वेश्चन नंबर ए भी मैम ने करा दिया ठीक है ए और बी मैम ने क्या हुआ मैम ने ए और बी क्वेश्चन ए और बी क्या किया मैंने करा दिया आपको ठीक है अभी क्या है लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर सी ठीक है लेट अस डू नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी इज 9999 11,000 एस पी इक्वल्स टू 9999 11,000 ओके ठीक है अब यहां पे क्या हुआ What happened in this question? इस question में क्या हुआ है अब जब 9999 यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 11,000 माइनस 9999 आंसर विल बी कितने का लॉस हुआ पता करो कितने रुपए का लॉस हुआ पता करिए कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा
हाँ तो यहाँ पे नुकसान जो हुआ तुम्हारा 9999 सब्ट्रैक्टेड बाय 11,000, यहाँ पे जो नुकसान हुआ वो 1,001 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ, राइट। 1,001 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हुआ, नुकसान हुआ हमारा। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें, वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस वेन। ठीक है, तो चलो मैम इज गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर। लेट मी राइट द क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट प्राइस वेन। फाइंड द कॉस्ट प्राइस वेन, अब यहां पे क्या है, इस सिचुएशन में सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और आपका प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा और आपको कॉस्ट प्राइस क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1200 एंड प्रॉफिट हुआ 150 रुपीज का। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1200 एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 150। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1200, कॉस्ट प्राइस रुपीज 150। सेलिंग प्राइस 1200, कॉस्ट प्राइस रुपीज 150। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 150 है हमारा। सेलिंग प्राइस कितना है, 1200 है। सॉरी, यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा ना, दिस इज प्रॉफिट गिवन, यस प्रॉफिट इज गिवन। ओके, देखो सेलिंग प्राइस दिया है आपको कि 1200 में कोई सामान बेचा और उसमें 150 का क्या हो गया, फायदा भी हो गया। ठीक है, ओके। नाउ क्लास, देखो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तब हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। दैट मीन सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। ये सेलिंग प्राइस है तो उसमें तो इतना प्रॉफिट एडेड है ना, तभी तो कॉस्ट प्राइस, मतलब तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग इतने में बेचा, दैट मीन प्रॉफिट हुआ, तो इतने में वो अमाउंट क्या है, एडेड है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इस अमाउंट से इतना रुपीज कम होगा, है ना। 150 रुपये का 150 रुपीज का उनको फायदा हुआ। अब 150 रुपीज का फायदा कब होगा, सेलिंग प्राइस 1200 में बेचा, मतलब हमें 1200 में से 150 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये बात समझने में मुश्किल है तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, वो ये कि सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, हर बार अगर सीपी दिया है और प्रॉफिट दिया है तो आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो एसपी सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी इज 1200, एसपी कितना दिया है 1200, प्रॉफिट कितना दिया है बेटा 150, प्रॉफिट कितना दिया है 150। चलिए 1200 में से 150 माइनस करिए, चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करिए भाई, क्या आंसर आया बेटा, व्हाट इज द आंसर, 1050। कितना रुपीज आंसर आया, 1050।
1050. Rupees 1050 is what? Rupees 1050 is our answer for this question. ठीक है, तो here we have completed this question. Now let us move to the next one. Next is question number B. ठीक है, अभी चलो इसी का question number B देख लेते हैं. SPL profit is given here. ठीक है, SP दिया है और profit दिया है, तो चलो question number B देख लेते हैं. Okay. मैम इज गोइंग टू इरेज द बोर्ड नाउ. ओके नाउ सो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू हियर इज एसपी इज गिवन वन स्टेंस ऑन 1,55,999 एंड 10,081 का उनको प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर बी, एसपी इज गिवन कितना है एसपी 1,55,999 और सीपी सॉरी प्रॉफिट कितना है 10,811. प्रॉफिट है 10,811. तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें ये समझ में नहीं आए, अगेन देखो सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम क्या लिखेंगे इधर, सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट. सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट. सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट. एसपी कितना दिया है 1,55,999 माइनस 10,811. चलो सब्ट्रैक्ट करो एंड टेल मी द आंसर. डू सब्ट्रैक्शन हियर. Do the subtraction. ₹1,45,188. Now question number B हमने कर लिया. अभी next is I am going to do question number D. अब मैं कौन सा करूंगी, क्वेश्चन नंबर डी मैं करने जा रही हूं. आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी इज 80,000. क्वेश्चन नंबर डी इज एसपी इक्वल्स टू 80,000 and loss equals to $1,500. 80,000 and loss equals to $1,500. लॉस अगर है तो वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस में एड अप हो जाएगा. नाउ 80,000 प्लस 1500 है कि 50,000 है भाई, 1500 की बात हो रही है. 1500 क्या आंसर आया, 81500 का उसको क्या हुआ है, ये क्या है उसकी कॉस्ट. क्लास आज हमने एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज हमने किया. 3, 4, 5, 6 रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू टुमारो. सो टिल देन बाय.